फ्रेंड्स सबको नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इतना बड़ा डोसा बनने वाला है, ये धीरे धीरे पकेगा। गैस स्लो पे बनाएंगे दोस्तों, और इसको घुमाते हुए, क्योंकि चूल्हा घर का है, बर्नल तो छोटा होता है, लेकिन तवा तो मेरा बहुत बड़ा है, इसलिए हल्का सा तेल डालेंगे हम साइड से अब यहाँ पे, इसलिए तवा जो है बड़ा है और सब जगह गैस नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए मुझे घुमा घुमा के तवा को चूल्हे के ऊपर करना पड़ रहा है। लहसुन प्याज नहीं डालेंगे हम इसमें, गैस कम कर देते हैं उधर। ये है शिमला मिर्च कटी हुई, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस किया हुआ, ये धनिया पत्ता, ये अंकुरित कुछ चना है और मूंग है, ये टुकड़ा है पनीर का, और यहाँ पे लिए हैं जीरा और काली मिर्ची का भुना हुआ पाउडर, और ये है टोमेटो केचप। सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर टोमेटो केचप। फ्रेंड्स आप भी कभी ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसमें को अदरक डाले हैं, लहसुन प्याज हम नहीं डाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डालेंगे हम सबसे पहले शिमला मिर्च, टमाटर, अंकुरित चना, मूंग, अदरक, हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार, हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों अंदर से जले भी नहीं, नमक अपने स्वाद के अनुसार, डोसा में हल्का नमक रहता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे धनिया पत्ता और डालेंगे अब हम पनीर कद्दूकस करके, और डालेंगे अब यहाँ पे जीरा पाउडर और काली मिर्ची पाउडर भुना हुआ, बिल्कुल स्लो गैस पे हम एक मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि सभी पक जाए अच्छे से। अब एक मिनट बाद हम देखते हैं कैसा हुआ है, देखते हैं फ्रेंड्स कैसा हुआ। बड़ा है इसकी वजह से थोड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा। देखिए पक चुका है अंदर अच्छे से, देखिए मेरा डोसा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, प्लेट से बड़ा डोसा। देखिए दोस्तों देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा डोसा बना है, बनके तैयार हो चुका है, देखिए कितना क्रिस्पी है। हम बीच से कट कर लेते हैं, साथ आप सॉस लेके, अचार लेके, चटनी लेके, कुछ भी लेके खा सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम यहाँ पे फ्रेंड्स अगर यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों, और पहला बाइट आपके लिए दोस्तों।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।